Tak, bo to jest tego gościa. Dost jest, aby? Tu miska dost jest, na? Dost jest? A. Today I have come to visit the world's most luxurious and beautiful island. तो देखिए दोस्तों किस तरीके से पत्थर डाल के पहले यहाँ पे बनाया गया है इस आइलैंड को, उसके बाद में यहाँ पे बाउंड्री डाल के देखिए इस बिल्डिंग को खड़ा। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा टैबलिक। तो दोस्तों अभी मैं हूँ दोस्तों लतीफिया रेलवे स्टेशन में। इस रेलवे स्टेशन मैं भी जा रहा हूँ पॉल कतर, जो कि अगर आप पॉल कतर जाना चाहते हैं तो आपको जो नियर बाय रेलवे स्टेशन मिलता है वो लतीफिया का रेलवे स्टेशन मिलता है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मेट्रो लिंक का जो बस सेवा है वो भी देखने को मिलता है। इस जो बस का नंबर है दोस्तों वो है 110 और एक है 109। इस बस के द्वारा दोस्तों आप पॉल कतर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो, क्योंकि ये जो है ना मेट्रो के साथ में लिंक गवर्नमेंट किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां तक लेकर जाएगा। अगर अब यहाँ आते हैं तो आपको रोड के बीच में ऊंची ऊंची दो इमारतें दिखती हैं, एक का नाम है UDC और एक का नाम है 121। और यहाँ के जो राजा है, यहाँ के जो किंग है, यहाँ पे किंग होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होता है, तो उनका तस्वीर आप इन बिल्डिंग के ऊपर में देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से पत्थर डाल के पहले यहाँ पे बनाया गया है इस आइलैंड को, उसके बाद में यहाँ पे बाउंड्री डाल के देखिए इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया है। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें समुंदर के अंदर, अब यकीन कर पाएंगे बताइए? दुबई के तर्ज पे, दुबई में भी इस तरीके का आपको आइलैंड एक देखने को मिलता है जिसका नाम है पाम जुमेरा आइलैंड, जो विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो पाम जुमेरा आइलैंड दुबई में है। तो उसी के तर्ज पे, उसी का ही थोड़ा डिज़ाइन है जो यहाँ पे इस आइलैंड को बनाया गया है। इसका भी जो आपको नक्शा देखने को मिलता है ना, समुंदर के अंदर में मिट्टी को काट काट के, मिट्टी को डाल के, समझ रहे ना, उसी तरीके से बनाया है। 121 और UDC टावर से जब आप सीधा अंदर आते हैं तो आपको ये जगह मिल जाएगा, जैसे कि अभी आप मैप में भी देख सकते हैं, इस मिडिल में ही आपको आना है। अभी भी एवरीथिंग इज पॉसिबल इन गल्फ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको जो नामुमकिन जैसी चीज़ है ना वो आपको यहाँ मुमकिन होता हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे दुबई, कतर, ये सब कंट्री में ना आपको जो मतलब विश्व में कहीं नहीं होता ना वो चीज़ यहाँ पर करके दिखाता है। यहाँ पर एयर कंडीशन अगर देखेंगे ना, मतलब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है समर में, तो इस कारण से इस कंट्री को बहुत हॉट कंट्री भी माना जाता है। और पता है दोस्तों आपको, इस पूरे पॉल कतर में सेंट्रलाइज एयर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। सेंट्रलाइज एयर सिस्टम मतलब दोस्तों बड़ा बड़ा चीलर होता है जिससे पानी को ठंडा करके सब घर के अंदर भेजा जाता है। वो ठंडा पानी जो है ना एयर के कॉन्टैक्ट में आके पूरे रूम को, पूरे एरिया को ठंडा करता है। तो अभी अंदर में आप देख सकते हैं शिप शप खड़ा है, इसमें आप रेंट लेके अंदर में जा सकते हैं। स्पीड बोर्ड भी और बहुत सारा शिप आपको यहाँ देखने को मिलता है जो रेंट पे आप अंदर लेके जा सकते हैं घूमने के लिए। और यहाँ तो देखिए यहाँ पे कमेंट्री किस तरीके से होता है। देखिए अभी यहाँ पे इक्वाडोर का साथ में मैच होने वाला है फीफा का, टीम जा रहा है कतर का, देख सकते हैं। या अरबी में कमेंट्री होता है, जैसे इंडिया में अपना हिंदी इंग्लिश में होता है ना, यहाँ पे वैसा नहीं है। और यहाँ से दोस्तों आप जो सी का नज़ारा है, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पे समुंदर को काट के अंदर में मिट्टी डाल के बिल्डिंग को बनाया गया है, उसके अंदर का जो नज़ारा आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। अंदर देखिए बहुत सारा बोट खड़ा है, लेकिन लाइफ जैसे होता है ना यूरोप कंट्री में उसी तरीके से आपको थोड़ा यहाँ फील मिलेगा, लेकिन ये यूरोप नहीं है दोस्तों, ये एक मिडिल ईस्ट है जो कि कहा जाता है कि बहुत गर्म का कंट्री है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो अभी आप बोट्स देख रहे हैं, इसमें अगर राइड करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सा आपको इसका ऑफिस और काउंटर मिलता है जिसमें आप पैसा पे करके अंदर राइड के लिए जा सकते हैं। ये जो दोस्तों पॉल कतर का जो बजट रखा गया था जो बनाने से पहले $2.5 बिलियन का, लेकिन जब दोस्तों ये बन के तैयार हुआ तो $15 चल गया दोस्तों, $15 बिलियन के आसपास इसमें खर्चा हुआ। एक अमेजिंग फैक्ट दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने सुने होंगे पाम जुमेरा आइलैंड का, जो कि दुबई का सबसे फेमस आइलैंड है जिसमें अपने देश के मुकेश अंबानी और शाहरुख खान का प्रॉपर्टी भी है। वो दोस्तों आइलैंड को बनाया गया था $12 बिलियन में। उसके कंपेयर में दोस्तों कहीं ज्यादा लग्जरी आइलैंड ये पॉल कतर है दोस्तों। इसका जो बनाने का पूरा टोटल कॉस्ट आया था ना $15 बिलियन। पुराने जमाने में दोस्तों यहाँ पे मोतियों का कारोबार बड़ी तेजी से किया जाता था, बहुत ज्यादा यहाँ पे मोतियों का कारोबार होता था। जिस समय तेल नहीं निकला था, नहीं मिला था पूरी दुनिया को, उस समय यहाँ पे मोतियों का कारोबार किया जाता था। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मोतियों के ऊपर डिपेंड रहते थे, तो इस कारण से इस देश का जो इतिहास है ना वो मोती से जुड़ा हुआ है।
तो उसी के तर्ज पे दोस्तों अगर आप सैटेलाइट से देखते हैं इस एरिया को ना, तो आपको एक मोती के जैसा दिखता है। और इसका जो नाम भी है ना वो पॉल कतर है। उसके पॉल का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में मोतियों। तो ये मोतियों का कतर है, मतलब इस जगह को जैसे डिजाइन किया गया ना, अगर आप सैटेलाइट से देखते हैं तो यहाँ पे पूरा मोती का जो डिजाइन है ना ऊपर से आपको या नीचे का नजर आता है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो करोड़ों अरबों का जो खेल होता है, यहाँ पे जो आपको कहते हैं ना, यहाँ पे जो गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस होता है ना दोस्तों करोड़ों में होता है। अभी आप लैम्बोर्गिनी कार देख सकते हैं, यहाँ पे इटालियन ब्रांड है। यहाँ पे बहुत सा कार का कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। अभी वहाँ पे भी आपको मैं कुछ ग्रीन कलर का कार दिखाता हूँ। देखिए मैं तो इतना कार के बारे में जानता भी नहीं हूँ और ना तो मैं कार चलाता हूँ, बस डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कार चलाना तो मुझे आता नहीं है। देखिए यहाँ पे लैम्बोर्गिनी, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद ये इटालियन कंपनी है, पता नहीं कहाँ का है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप कार का कलेक्शन देख सकते हैं। और अब मैं दोस्तों, जो लोगों का शौक होता है ना वो, मतलब पैसा क्या है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि तेल का जो यहाँ पे भंडार है और जो नेचुरल गैस का ना उसी का ये नतीजा है। इस जगह में दोस्तों बेसिकली सब कोई खाने के लिए आए हैं, ये पूरा एरिया रेस्टोरेंट का है। और ऊपर में फ्लैग लगा हुआ अपना देख सकते हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं अशरफ भाई पूरा फोटो शूट। और अशरफ भाई का जो दोस्त है, अबे तुम इसका दोस्त है ना, दोस्त है, आई एम से योर फ्रेंड। और ये है गाना, यू फ्रॉम विच कंट्री, यू फ्रॉम गाना, अफ्रीका। योर स्टाइल इज टू मच गुड, योर सन ग्लासेस ओपन सनग्लास। अपने साथ में अपने कंपनी में है ये भी, चल। 1.5 लीटर का मैंगो का जूस नौ रियाल में लेने के बाद हम जब रास्ते में भटक रहे थे, तो दोस्तों उसी समय हमें एक 5 करोड़ का लैम्बोर्गिनी नज़र आया। और इसका ओनर अभी आप देख सकते हैं कोने में आपको दिख रहे हैं रेस्टोरेंट में खाते हुए। उन्होंने कहा कि जाओ फोटो उठाओ और बैठ भी लो। जिस गाड़ी को दोस्तों कभी ज़िंदगी में हम छुए नहीं थे, उस गाड़ी में बैठने का मौका मिला, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ के जो लोग हैं ना बड़ी फ्रेंडली टाइप है दोस्तों। यहाँ पर आपको गुरूर देखने को नहीं मिलता है। इतना पैसा, गाड़ी, करोड़ों का बंगला, सब होने के बाद भी ना नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ खुद जब आइएगा ना तब आपको पता चलेगा की यहाँ का जो नजारा है शाम के वक्त का वो कैसा रहता है। तो हो सके तो कभी आइए यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। और कुछ लोग है जो मेरे को देख के साइड हो गए क्योंकि ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बोल के। इस जगह में दोस्तों अगर आप आते हैं तो आपको एंट्री फीस कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये टूरिज्म के लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी आके आराम से घूम सकता है दोस्तों। और अभी आप सामने देख सकते हैं मैं बिल्कुल ही चल के यहाँ पे राउंड ऑफ एक लेने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप अपना गाड़ी को भी लेकर आते हैं तो आपको इस अंदर में गाड़ी आपको अलाउड नहीं होगा, आपको चल के ही इस जगह पर घूमना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं दोस्तों अभी 2 किलोमीटर का एक राउंड ऑफ लेता हूँ और जाके पूरा एरिया आपको घूम के दिखाता हूँ कि कैसा यहाँ पर नज़र आता है। और शाम के वक्त में यहाँ पे जो जगमगाता ब्लू लाइट का रोशनी समुद्र में जब पड़ता है और उसके साथ में जब ब्लू सब खड़ा आप देखते हैं ना, तो आपको इस जगह से एक अलग सा एक प्यार हो जाता है, क्योंकि ऐसा जगह आपको शायद ही देखने को कहीं और मिले। अभी दोस्तों पूरे कतर में हर जगह पे दोस्तों आपको फीफा का जो जोश है देखने को मिलेगा। ऐसे पॉल कतर में भी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियंस लोग बैठ के कतर का मैच देख रहे हैं। इस तरह का एलसीडी और ऐसा कैम्प दोस्तों कतर में बहुत सबको देखने को मिलेगा। 9 से 10 किलोमीटर अपने पैरों से चलने के बाद दोस्तों अब मेरी हालत नहीं रही कि मैं और ज़्यादा घूम पाऊँ इस जगह में। मैं दोस्तों गाड़ी होने के बाद भी चल के रास्ता इसलिए एक्सप्लोर करता हूँ ना, जो मज़ा चलने में है ना, जो चल के आप महसूस कर पाएंगे इस जगह को ना, वो आप चीज़ गाड़ी में नहीं कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं और एक नए सफ़र में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।